तो कल रात मैंने डिनर में बनाया था गर्मा गर्म राइस, और उसके साथ था मैंने ये अम्बट वरण बनाया था, लेकिन इसको मैंने थोड़ा अलग तरीके में बनाया था। इस पर मैंने ना दूधी ऐड किया था, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ना दूधी बच गया था। तो मैं सोची थी इसका क्या करूँ, अभी इसका भाजी बना के तो कोई खाएगा नहीं, क्योंकि दूधी इतना टेस्टलेस होता है कि उसमें कुछ भी टेस्ट नहीं रहता। तो मैंने सोचा ये आमटी बनाते और इसके अंदर दूधी डाल देते, तो उसी उसी बहाने वो ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये मैंने अम्बट वरण बनाया, थोड़ा अलग स्टाइल में बनाया, और इसको तड़के में ना मैंने सूखी लाल मिर्च डाला है। ये सूखा लाल मिर्च ना दाल में जाने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको राइस के साथ आप ऐसा मैश करके खाओगे ना, इतना मस्त स्पाइसी तीखा लगता है। और ऊपर से मैंने गरम गरम घी डाला, तो मैंने सानू और निशो ने मस्त ये गर्मा गर्म आमटी भात एंजॉय किया। सो गुड मॉर्निंग, दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अभी यहाँ पे मैंने ना अच्छे से सिंगदाना फ्राई करके ले लिया, कांदा मैं कट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि निशो भी मॉर्निंग शिफ्ट में जाने वाले, तो नाश्ता बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ कांदा पोहे, और ये मैं ना मेरे भाई के स्टाइल से बना रही हूँ। इसका भी फुल डिटेल रेसिपी आप लोग को रेसिपी वाले शॉर्ट्स में देखने मिलेगा। तो पहले मैं यहाँ पे कांदा और मिर्ची और कट करके रखती हूँ, और फटाफट क्या बोलते हैं कांदा पोहे, इस पर मैं आलू भी डालने वाली, बारीक बारीक आलू को कट करके फ्राई करके लेना है। तो एक्चुअली कढ़ाई में वो फ्राई हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे कांदा कट करके ले रही हूँ। कांदा पोहे देखिए रेडी हो गया, मैंने ऊपर से जो सिंगदाना था लास्ट में डाल दिया। बस अभी इसको मिक्स करना है और सर्व करना है, और गरम गरम कांदा पोहे और मस्त गर्मा गर्म चाय। आहा, मॉर्निंग में ऐसा नाश्ता मिल जाए ना, बस बोलते ना दिन ही बन जाए आपका। पोहा तो हम तीनों को भी पसंद है, मुझे भी, सानू को और निशु को भी। सानू भी कांदा पोहे बहुत अच्छे से खा लेती है। राधे राधे, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो फाइनली अभी मैं जा रही हूँ सानू को ड्रॉप करने, और मैंने ये वाला ही ब्लैक टी शर्ट विथ लूज जीन्स पैंट पहना है। पता नहीं मुझे ये टी शर्ट इतना क्यों पसंद है, एक्चुअली बार बार सामने दिखता है तो मैं इसी को निकाल लेती हूँ, मेरे को एकदम कंफर्टेबल फील होता है। और ये देखिए सानू का, सुबह मैंने इतने अच्छे से उसको बिछा के रखा था, फिर वो सानू उस पर लेट लेट के उसने उसको पूरा निकाल दिया। वैसे भी आज तो इसको चेंज ही करना है, जो इसका दूसरा रेड वाला है ना वो धो के मैंने सुखा दिया। कल धूप बहुत अच्छा था, तो मैंने कल वो रेड वाला बेडशीट और ये वाला बेडशीट, ये क्विल्ट जो मेरा है, इन दोनों को अच्छे से धो लिया था, और पूरा पानी ड्रेन होने के बाद जाके बाहर बालकनी में सुखाया। तो बहुत अच्छे से, कड़क धूप था तो सूख गया एकदम अच्छे से, बारिश होता तो वो सूखता नहीं। तो वो भी आने के बाद अभी इसको छोड़ के आऊँगी, और उसके बाद आने के बाद इसको वापस चेंज कर दूँगी। और मैंने बाल ऊपर बांध लिया, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गया, मेरे को बहुत गर्म हो रहा तो, और बाल भी मेरे बहुत गिर रहे हैं। मैं पोनी बांध रही हूँ ना, तो पोनी में से मेरे बाल पूरे घर में, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो कोने कोने में मेरे बाल ही दिखाई देते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि उससे अच्छा ना बाल को बांध दो, ताकि कम गिरेगा, हेयर फॉल भी कम होगा और ज़मीन पे भी कम गिरेगा, तो वो अजीब सा नहीं लगता है ना, हर जगह अगर आपको बाल बाल दिखाई देना तो कैसा तो भी फील होता है। सुबह में एक बार झाड़ू निकालती हूँ, और शाम को मैं एक बार, दो बार तो झाड़ू दिन में होता ही होता है। जो भी सूखे हुए कपड़े होते हैं ना, मैं बेड पे जब निकालती हूँ तो वो कॉर्नर में रख देती हूँ जहाँ निशु सोते, और जब मुझे घड़ी करके अंदर रखना होता है ना, तो मैं सारे कपड़े उठा के ना यहाँ पे ला के रख देती हूँ, और यहीं खड़े खड़े ही इनको फोल्ड कर देती हूँ। मतलब फोल्ड करके यहाँ पे ही नहीं रखती हूँ, दोनों वार्डरोब का दरवाज़ा खोल देती हूँ, और जैसे जैसे घड़ी होते जाता है ना, वैसे वैसे साथ में उसको लगाते भी जाती हूँ, ताकि मेरा टाइम भी सेव हो जाए और काम भी फटाफट हो जाए। तो मेरे कपड़े में मेरे सेक्शन में डाल देती हूँ, सानू के जो भी टी शर्ट्स, हाफ पैंट, शॉर्ट्स रहते हैं, नाइट ड्रेसेस रहता है, वो सारा सानू के सेक्शन में चला जाता है। निशु का जो भी कपड़ा है, निशु के सेक्शन में चला जाता है। निशु का यूनिफॉर्म का शर्ट, टॉवल, घर पे पहनने के कपड़े जो भी, एक्चुअली ये वार्डरोब सिर्फ दो साइड ही है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। सो इसमें मैंने ना कैसे किया है पता है, एक मिनट बताती हूँ। ये जो वार्डरोब है इसमें 1, 2, 3, 4 है, तो 4 में से 2 है निशु का, नीचे के 2 सानू के हैं जिसमें उसके डेली के कपड़े हैं और नाइट ड्रेस वगैरह, सूट्स वगैरह है, और टी शर्ट्स और पैंट है, और नीचे के इसमें मैंने उसके बाहर जाने के कपड़े रखे, और उसका स्कूल का एक अलग से ही मेरा ट्रे है, क्योंकि उसका स्कूल का ना, फिर स्कूल जाते हुए कभी उसका ये नहीं मिलेगा, बेल्ट नहीं मिलेगा, फिर पीटी का शर्ट नहीं मिलेगा, स्कर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाकी के कपड़े में मिक्स हो जाता है। तो मैं स्टार्टिंग से ही सानू का स्कूल का जितना भी यूनिफॉर्म का एक्सेसरीज या जो भी उसका बेल्ट वेल्ट है, वो सब एक ही इसमें बॉक्स में रख देती हूँ, जो ट्रे प्लास्टिक का ट्रे ना उसमें, ताकि जब स्कूल का कुछ निकालना हो तो उसी में से ही मुझे निकालना है और उसी में मुझे रखना है, तो दैट मेक्स इजी। और ये वाला साइड जो है ना, इसमें भी 1, 2, 3 और 4 है, लेकिन ये चारों मैंने मेरे लिए ले लिए,
क्योंकि कोई और ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, कपड़े इतने सारे, फिर भी आधे से ज्यादा मतलब 80% तो ये बेड के अंदर स्टोरेज हो गया, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे कंपार्टमेंट है जिसको आप ऐसे उठा सकते हो। ये हाइड्रोलिक नहीं है, पहले टाइम का बेड है ना, इसलिए इसको आपको मैन्युअली उठाना पड़ता है, मतलब किसी को पकड़ना पड़ता है तब आप उसको एक्सेस कर सकते हो, बट हम फिलहाल के लिए तो हम लोग को यही चलाना पड़ रहा है। तो चारों बाजू में से भी एक साइड पूरा, दो साइड पूरे में कपड़े ही है, और दो साइड में जो बाकी के एक्सेसरीज है जो रोज के रोज नहीं लगता है वो सब हम लोग ने स्टोर करके रख दिया है। तो अभी फिलहाल तो ये इतने से वार्डरोब में जो डेली के यूज के कपड़े हैं और जो बाहर जाने के कपड़े वो सब बेड में डाला है, कि जब कहीं पे जाना आना होगा तो उसको निकाल लेंगे। अभी फिलहाल जो रोज का रोज लगता है वो ही यहाँ पे सामने रखा हुआ है। तो निशु का तो पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो गया है, परसों निशु को छुट्टी था तो निशु ने दोपहर को खाना खाने का पूरा अपना सेक्शन पूरा सॉर्टेड कर दिया है। सानू का भी सॉर्टेड हो चुका है क्योंकि मैंने उसका करके ही रखा था। सिर्फ मेरा सेक्शन थोड़ा सा मैसी है, क्योंकि जिस दिन हम लोग ने शिफ्टिंग किया था ना उसी दिन मैंने जो जो थैली में खाली करते जा रही थी ना वैसे ही वो लॉट पूरा उठा उठा के रख रही थी, तो मेरे सारे कपड़े ना मिक्स हो गए, कुर्ती, टी शर्ट्स, ड्रेस और वन पीस, लेगिंग्स, वो सब मिक्स हो गया है। तो इसके लिए अभी ये दो सेक्शन मुझे मेरा पूरा ऑर्गेनाइज करना बाकी है। तो आई थिंक मैं शायद कल फ्राइडे, मेरा फास्ट है तो दोपहर का खाने का कोई है इशू नहीं है मेरा अकेले का, तो मैं शायद कल ना पूरा मेरा साइड ऑफ वार्डरोब को पूरा सॉर्ट आउट करके ले लूंगी। सानो अभी स्कूल चली जाती है इसलिए मोस्टली आप लोग ब्लॉग में दिखाई नहीं देती है। तो अभी आज हम लोग बैठे कौन सा सब्जेक्ट करने सानो? इतने बगुन बोल, उसका चाय पानी नाश्ता हो चुका है। आज सानू को दूध भी नहीं चाहिए, चाय भी नहीं चाहिए। आज सानू ने क्या पिया? इधर बगुन बोल ना। नहीं मैं चाहती हूँ तो इधर देखो मेरे, ताकि तेरा चेहरा भी दिखाई दे, आवाज भी सुनाई दे इसीलिए। और अभी उसने इंग्लिश का रिवीजन निकाला स्कूल से, जो भी जितना भी पोर्शन मिला है उसके अकॉर्डिंग मैं उसका, एक्चुअली हम लोग की नया बुक सानू देखो, तू बुक दिस बुक नॉट दिस वन दिस वन नया बुक ही लेकर आए कल के कल में बोला, इसमें अभी जितना भी तेरा एग्जाम का जो पोर्शन है ना वही लिखना है, मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस, मराठी, हिंदी और कंप्यूटर का जो भी पोर्शन है ना वही पोर्शन का इसमें लिखना है, ताकि फिर यही बुक से हम लोग रिविजन कर सके, बार बार टेक्स्ट बुक नोटबुक खोलते बैठना ना पड़े, वो ईजी हो जाता है। ऐसे ही हम लोग हर बार सानू का करते, जो भी उसका पोर्शन होता है ना उसमें से जो मुझे सही लगता है, मेन मेन लगता है, मैं वो सब इसको यहाँ पे रफ बुक में लिखवा लेती हूँ और फिर उसी से हम लोग रिविजन करते हैं। तो बार बार टेक्स्ट बुक खोल के बैठो, नोटबुक खोल के बैठो, तो वैसा वो प्रॉब्लम नहीं होता है, ईजी हो जाता है। तो आज सानू बैठी है अभी कितने बजे, 7:30 बजे, 7:15 से वो तैयारी कर रही है। उसने पेंसिल को शार्पनर किया, इरेजर ढूंढ के लाया, टेबल सेट किया, एक एक बुक लाते लाते उसका 15 मिनट उसमें चला गया। फाइनली अभी वो बैठे, मतलब आज तो 1-1.5 घंटे के पहले अगर यहाँ से हिली, 2 चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है। कितना चैप्टर आनो? 2। क्योंकि गणपति में भी गणपति का छुट्टी है तो मैडम पूरा गणपति एंजॉय करने वाली है, और उसके बाद इमिजिएटली 4 दिन के बाद नेक्स्ट वीक, मतलब इमिजिएटली हाँ नेक्स्ट वीक से उसका एग्जाम चालू होने वाला है, वो भी 60 मार्क्स का, और इतने सारे एक एक सब्जेक्ट में इतने सारे चैप्टर्स उनको आने वाले हैं, और एक्चुअली है बहुत डिफिकल्ट ले रहे थे, उसका 3rd स्टैंडर्ड का बुक है लेकिन इतना डिफिकल्ट सिलेबस है, तो जितना वो रिविजन प्रैक्टिस करेगी उतना ही उसके लिए ईजी और बेटर रहेगा। बाय बोल दे। आज मैं बनाने वाली हूँ थाली पीठ। आई थिंक बहुत टाइम के बाद आज घर पे थाली पीठ बनने वाला है, मतलब यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम और ऐसे भी फर्स्ट टाइम बहुत टाइम के बाद। एक्चुअली निशु ने अपने फ्रेंड से रेडीमेड थाली पीठ का आटा मंगाया, आई थिंक फ्रॉम पूना, उनके कोई फ्रेंड गए थे ऑफिस फ्रेंड, तो रिटर्न आते वक्त तो उन्होंने उनसे मंगाया था, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ, और झटपट इसकी रेसिपी भी शूट करके ले लूँगी, फिर वो जो झटपट रेसिपी विद इशिता सारे ना शॉर्ट से उसमें इसको अपलोड कर दूंगी। मैं आ गई किचन में, तो ये देखो ये मैडम भी मेरे पीछे पीछे आ गई। इसको पूरी रिविजन कर, जो अभी तूने ऑपोजिट वर्ड्स मीनिंग राइमिंग वर्ड्स और क्या सेंटेंसेस किया है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, वो सब जाके रिविजन कर। तो ये आके यहाँ पे बैठ गई, मेरे को क्या बोलते, क्या बोला सानू तुमने, यहाँ पे बैठ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पीछे कुछ भी ऐसा रिस्की चीज नहीं होता, गैस के पास उसको बैठने के लिए मना किया ना, तो बोलते मम्मा यहाँ पे तो मैं बैठ सकती हूँ, यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब फिर भी हाँ मैं बोला फिर भी किचन में ज्यादा नहीं बैठने का, इट्स नॉट सेफ। अभी बैठी है तो थोड़ा टाइम बैठ जाए, क्योंकि गैस वगैरह कुछ चालू नहीं है। तो अभी मैं पहले कांदा कट करके लेती हूँ। तो मैंने इसमें कांदा, कोथमीर, बाकी का जो मसाला लगता है वो सब डाल दिया।
तो ये रेडीमेड आटा है जो निशु लेकर आए थे, तभी मैंने मेरे और निशु के लिए क्वांटिटी इसमें निकाला, और सानू के लिए मैंने ऑलरेडी अलग से साइड में बना के रख दिया क्योंकि वो मिर्ची नहीं खाएगी, तो इसमें तो मैंने खूब सारा मिर्ची डाला है, तो उसका मैं अलग से रख दूंगी ताकि सानू का आराम से 3 थाली पेट उसमें बन जाएगा। तब इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करके इसका डो रेडी कर लेंगे। तो ये कितना मस्त वाला थाली पीठ विद दही, दही में मैंने ना शक्कर, जीरा पाउडर और कलर वाला मिर्च पाउडर डाला, इससे ये बहुत ही टेस्टी लगता है। सो ये गर्मा गर्म थाली पीठ, निशु भी आ गए, फ्रेश हो गए, सो अभी हम जाएंगे डिनर एंजॉय करेंगे। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा, इफ यस सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना। राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय, गुड नाइट।